अखंड ज्योति, सितंबर 1941। हिमालय के महापुरुष। हिमालय प्रदेश सच्चे योगी महात्माओं का चिरकाल से खास केंद्र है। इस पुण्य प्रांत में जैसे महान योगी हो चुके हैं, वैसे अन्य प्रांतों में बहुत ही कम हुए हैं। अब भी वहां बड़े बड़े महात्माओं के वर्तमान होने की बात सुनी जाती है। सुना जाता है कि तिब्बत का ज्ञानगंज योगियों का एक महान शिक्षालय है, जिसमें सैकड़ों महान योगी अब भी वर्तमान हैं। हिमालय में कई योगियों के दर्शन भाग्यवान पुरुषों को हो जाते हैं। स्वामी माधव तीर्थ जी दंडी कुछ समय पहले वहां गए थे, उन्हें एक महात्मा मिले। आपने उस घटना को काशी के पंथा नामक बंगला पत्र में लिखा है। उसका मर्म कुछ इस प्रकार है। इस शरीर ने गौरी गिरी की परिक्रमा करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन काठ गोदाम से यात्रा की। शैलपुत्री तीर्थ का दर्शन करते समय वहां भी कतिपय महापुरुषों के दर्शन हुए। यह शरीर गौरी तीर्थ में जिस पर्वत पर गया, वह हिमाचल प्रदेश का एक उत्कृष्ट स्थान है। स्वयं गौरी ने इस पर्वत पर शिव की आराधना की थी। जगत में ऐसा कोई कवि या कलाविद पैदा नहीं हुआ जो हिमाचल के सौंदर्य को व्यक्त कर सके। केवल यह सौंदर्य ही तीर्थयात्रियों की पथ की सारी क्रांति दूर कर देता है। और भी दो एक पहाड़ी गौरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनसे मुलाकात होने पर इस शरीर ने पूछा कि यहां कोई साधु महात्मा है कि नहीं, अगर है तो कहां पर। उन लोगों ने उंगली का इशारा करके 3-4 स्थान दिखा दिए। वे सब प्रायः 3-4 कोस की दूरी पर थे। फिर दिखाकर उन्होंने कहा, उस पहाड़ पर कभी कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं। जो स्थान समीप में दिखाया वह भी बहुत ऊंचा था, परंतु महापुरुष के दर्शन की आकांक्षा अत्यंत बलवती होने के कारण इस शरीर ने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वहां पहुंचने पर महात्मा के दर्शन मात्र से ऐसा मालूम हुआ कि आप कोई महापुरुष हैं, दिव्य दर्शन है। एक छोटी सी गुफा में वे महात्मा पद्मासन लगाकर बैठे थे, नेत्र बंद थे, श्वास भी शायद बंद था। सामने 5-6 हाथ की दूरी पर एक सूखा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर पड़ा था, उसमें आग लगा दी गई थी। इस शरीर की उपस्थिति की बात शायद महात्मा जी को मालूम नहीं हुई, परंतु झोला कंबल रखकर नमो नारायण का उच्चारण करते ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीर को देखा और उसी क्षण पुनः नेत्र बंद कर लिए। उस समय दोपहर का समय प्रायः बीत चुका था। सूर्यदेव पश्चिम आकाश में ढल चुके थे। प्रातः काल से पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शरीर भूख प्यास से कलांत हो रहा था। पर्वत पर पहाड़ियों के घर हैं, परंतु शरीर वहां जाने में असक्त था। झोला कंबल वहीं रखकर झरने में हाथ मुंह धोकर अंजलि पानी पीते ही शरीर बहुत कुछ स्वस्थ हो गया। कंबल बिछाकर गुफा के बाहर आसन लगाकर यह शरीर आराम करने लगा। महात्मा जी के यहां भोजनादि का कोई बखेड़ा किसी समय नहीं होता। यह बात उनके सामान को जो वहां था देखने से ही मालूम होती थी। अतएव सहज ही धारण हो गई थी कि वे भोजन नहीं करते। दर्शन तो हुए, परंतु दर्शन का आनंद नहीं मिला, क्योंकि वे मौन थे। अन्य दिनों इस शरीर के झोले में चने का सत्तू और गुड़ रहता था। देव संयोग से यह भी आज नहीं था। अतएव यह निश्चित था कि आज भोजन आदि की कोई व्यवस्था न हो सकेगी। सोचा, संध्या के पहले बस्ती में जाने पर जो होगा सो होगा। नारायण का स्मरण करते हुए समीप बैठकर महात्मा के दर्शन करने में समय बिताने लगा। उस समय शरीर भूख के मारे व्याकुल था। जहां पर यह शरीर था वहां से बहुत दूरी तक दिखाई देता था। घास चरती हुई गाय जिस तरह स्वाभाविक ढंग से घूमती है, उसी तरह घूमती फिरती एक सफेद गाय महात्मा की गुफा के द्वार पर आकर पीछे के दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़ी हो गई। उस समय महात्मा ने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए गाय की ओर देखा।
गाय के एक थन से खूब बारीक धार से दूध झरने लगा। यह शरीर जैसे मंत्र द्वारा चालित हो इस तरह अपनी आसन से उठ खड़ा हुआ। महात्मा के आसन के पास काठ का एक बड़ा सा पात्र उलटकर रखा था, उसे उठाकर उस शरीर ने गाय के थन के नीचे रख दिया। उस समय गाय के चारों थनों से दूध अबाध गति से उस पात्र में झरने लगा। देखते देखते वह भर गया, प्रायः 4-5 शेर दूध होगा। महात्मा के सामने वह रखा गया। इस शरीर के साथ जो जल पात्र था वह भी थन के नीचे रखा गया। तब महापुरुष ने माई माई कहकर दो बार उच्च स्वर से पुकारा। उसके क्षण भर बाद हवा का शब्द सुनाई पड़ा, मानो दूर से आंधी आती हो। यह शब्द कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आया। क्षण भर बाद मालूम हुआ कि महापुरुष की नासिका से श्वास बाहर निकल रहा है। देखते देखते उनका स्थूल शरीर अत्यंत क्रिस हो गया। इसके बाद उन्होंने दूध का पात्र मुंह में लगाया और सारा दूध चढ़ा गए। इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और वे उसे भी खाली कर गए। पुनः उनका पात्र स्तन के नीचे रखा गया और दूध से भर जाने पर वे उसे भी पी गए। इस प्रकार दूध के 3 पात्र वे पी गए। अब दोनों पात्रों का दूध पीने के लिए महात्मा जी ने इस देह को इशारा किया। आदेश होते ही कमंडल का दूध पी लिया गया, महापुरुष के पात्र का भी कुछ दूध पिया गया। पेट में और स्थान न रहा, अपूर्व स्वाद था। दूध के ऐसे माधुर्य रस का अनुभव और कभी नहीं हुआ था। असीम तृप्ति हुई। महात्मा के दर्शन से जो तृप्ति आज हुई उससे शरीर धारण करना पूर्ण सार्थक हो गया। उनके मुख से निकली हुई कोई बात सुनने को नहीं मिली। बहुत देर तक इस आशा में शरीर बैठा रहा। संध्या से पहले वे आसन से उठकर झरने की ओर गए। जहां पर यह शरीर था वहां से झरने तक अच्छी तरह दिखाई पड़ता था, वहां से वे अदृश्य हो गए, किसी और दिखाई ना पड़े। बहुत खोजने पर भी दर्शन नहीं हुए। संध्या समय बस्ती में जाकर इस शरीर ने आश्रय लिया। 2-3 दिन और दर्शन की चेष्टा की गई। पर्वतीय लोगों ने कहा बीच बीच में वे महापुरुष वहां आते हैं, कभी कभी दूसरे पहाड़ पर उनका आसन पड़ता है। जो दर्शन करता है उसका जीवन धन्य है। नारायण का स्मरण करते हुए बहुत खोज की गई, परंतु फिर भी दर्शन नहीं हुए।